तो राम राम भैया सरन है। मैं आज आपसे बताना चाहूँ कि आप होली पैसा के बिजनेस कर सको हो, जिस तरह आप एक या दो दिन में डबल मुनाफा कमा लोगे। तो ये देखो, मैं कलर लेके आई हूँ, ये होर्जी का गुलाल लेके आई हूँ। जो मेरा पड़ा है 16-17 रुपये किलो, 1 किलो, और यो पैकेट पड़ गया मेरा 90 रुपये का। तो मैंने कुछ न्यू पैकिंग बना दी, एक यह पैकिंग है और एक थोड़ी बड्डे में पैकिंग है। तो यो जागा 10 रुपये का और यो जागा 20 रुपये का गुलाल, ठीक है। ये 15 पैकेट बना दिए मैंने, और बच भी रहा है मेरे दो रहा है, इसमें किलो एक सारा बच रहा है। 15 ये बनाए हैं मैंने, 15-20 ये बनाए हैं और 20 ये मैंने बनाए हैं। तो 20 के हिसाब तो 200 रुपये का तो यो बिक गया, ठीक है। और 10 के हिसाब तो चाहे इसने आप 10 का भी बेचोगे तो 200 का तो यो बिक गया, और 100 रुपये का यो बिक गया। पैकेट पड़ा था मेरा 90 रुपये का और बिक गया मेरा 300 रुपये का। पर जुकर जुकर थोड़ी डिमांड बढ़ती जाएगी तो यो मैं 10 का कर दूंगी छोटे वाला, और यो कर दूंगी मैं 20 रुपये का। तो मन्ना हो जाएगी 4 गुना कमाई। तो इस समय मैं लेके आई हूँ, देखो एक ऑरेंज कलर लेके आई हूँ, एक यो गुलाबी कलर लेके आई हूँ, एक लाल कलर लेके आई हूँ और एक हरिया कलर लेके आई हूँ। तो ऐसे आप भी गामा में हो, शहर में हो, कितने भी हो, ऐसे ही पैकेट ले आकर पेटी ले आकर न खुले की, ये खुला है बोला है इसने वैसे तो, और जो बच्चा गाना इसकी ढेरी ला दूंगी ताकि सब ने दिख जाएगा कि है इसमें, और कलर इसमें दिख रहे होंगे तब न। और यह जो पैकेट है, जो थैली आप देख रहे हो, यह मेरे पड़ी थी 25 रुपये की 100 पीस। तो इसकी भी कीमत लिकड़ गई, और देखो कोई लगाने की जरूरत नहीं है, ना निकलेगा कुछ बीमार नहीं निकलेगा इसमें तो, और सारा का सारा इसमें लग भी का सुतरा, और सुतरी डाला आप ले सकोगे जो अग लेवे भी का। और देखो हाथ भी आ रहा है अच्छी तरीके से ले सकेगा, और इसने वापस बंद करके ना होली पर ये है कि ये ख़राब भी नहीं होगा। कागज में जो डाल के दे देवे हैं पैकेटा में वो ख़राब हो जाए गीला होने के बाद, जैसे होली पर तो बेवेंगे तो इस गुलाल भी बचा रहेगा और थारी कमाई भी हो जाएगी। और थोड़ा समय दिखाऊंगी, पहला मैं यो पैक कर लूँ। तो ये देखो कुछ ऐसे करके मैंने सारे के सारे रंग इसमें पैक कर लिए हैं, ये पैक कराने लग रहे हैं ये दो सहायक है। सहायक हम सहायक आप मेम साहब। और ऐसे करके ना पूरी पूरी थैली हम पैक कर लिए, और अब ये आराम तो बिक जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आगे होली के सामान कलर के साथ साथ आप क्या क्या रख सकते हो। ये है ना ऐसे हैं, ये बाल हैं पीछे से, ये बहुत सारे लड़के ना ऐसे लगाए फिरते हैं। देखो टोपी है और पीछे बाल है कलरफुल। और ये मैं दो तरह के लेके आई हूँ, ये वाले और ये वाले मिक्स करा के लेके आई थी। ये मेरे को वहाँ से पड़े थे 220 रुपये के या 210 रुपये के कुछ ऐसे। और ये ना 50 रुपये से कम की टोपी नहीं जाएगी एक, तो ये देख लो कितने की बचत होगी। मेरे को पड़ी वहाँ से कितने रुपए की पड़ी, 210 रुपये के हिसाब से 12 टोपी कितने की पड़ेगी, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, 20 रुपये की भी नहीं पड़ी, और मैं 50 रुपये की बेचूँगी तो सीधा सीधा 30 रुपये का एक टोपी गला फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इसे इसे भी रख सको हो आप। ये तेरा ये गुलाल का 90 रुपये का पड़ा, ये मतलब है ना गामा में भी बहुत ले में हैं जो यानी यानी से छोरे हूँ हैं जो क्या करे भाई, थोड़े से लपाड़ टाइप के हों, थोड़े से न्यारे दिखने की कोशिश करे, या फिर बाड़क बुड़क हों, वे लेना बहुत पसंद करे हैं इसमें ना बाढ़ से लग रहे हैं, थोड़ा कलरफुल सा होली का लुक आ जाए। तो ये 20 रुपये का भी नहीं पड़ा मेरा उड़ा, 20 रुपये का तो जब पड़ता है, जब ये 240 का पड़ता है तो मेरा तो 210 का पड़ रहा है, 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे ये पड़ गया 17-18 रुपये का, ठीक है। और अब ये बिक रहेगा 50 रुपये का, तो मैं कम से कम बेचूंगी, पहला बोलूँगी 80 रुपये का, किसी का 80 का चेपेंगे, किसी का 50 का, तो मतलब ये आप पर डिपेंड कर रहा है। जब आप देखो हाई फाई एरिया में रहो ना तो 100 रुपये तो नीचे नहीं बिकेगा, जब मैं सेक्टर में रहती तो। और ये मेरी थोड़ी है ना दुकान जो है वो थोड़ी लोकल एरिया में है, तो ये 50 रुपये का तो जावे जावेगा। अगली चीज़ मैं दिखाऊँ कि आगे आप तम के दर्शक हो।
अगला जो है जो मैं सामान तक मैं देखा हूँ यो मैं लेके आई थी सदर बाजार पे, ये वाला गुलाल है, गुलाबों का गुलाल है यो। और इसकी एक बार MRP देख लो आप, इसकी MRP लिख रखी है 38 रुपये, ये अड़दिक भी रहे होगा तब न। और इसमें है 100 पैकेट हैं जी, ये तो मुँह का आएंगे ठीक है। और इसमें 100 ग्राम का, और इसमें 5 रंग हैं, 5 रंग इसमें हैं 100 रुपये का। और यो मेरे पड़ी थी पेटी 400 रुपये की, मतलब पड़ गया मेरा 4 रुपये का एक पीस ठीक। इस पर 38 रुपये MRP है, तो ये कम से भी कम 20 रुपये का जरूर जाएगा। और ये 20 रुपये के हिसाब से कितने का पड़ गया अटिलो, क्या का पड़ गया, कितने पीस हैं? 20 रुपये के हिसाब से 100 पीस 2000 का, 200 पीस 2000 रुपये का। इस छोरी का मैथ हो गया खराब, मेरा थोड़ा तेज हो गया, तो ये 2000 का जाएगा। चाहे आप आई ना है, देखो हमने सोचा कि हमने पूरा का पूरा हमने घना माल उठा लिया, तो इतना 10 रुपये के पैकेट के हिसाब है 1000 रुपये का बेच कर 600 रुपये इसे एक पेटी गला कमा सका। तो यो भी देखेंगे, कोई अपना यारा प्यारा आ गया तो उन्होंने 10 रुपये का एक दे देवेंगे पैकेट, और जो कोई हम जान सा आ गया आई फाई सा आ गया तो ही देवेंगे 20 रुपये का। तो यो 30 का 30 का क्योंकि इस पर 38 रुपये MRP उन्होंने आगत ही लगता भी रहती है। दिखाओ बे अगला आइटम है, यो है इसमें 111 बलून हैं, इन्हें टूटी काटा दो और चला दो टूटी ने अपने आप बंद कर जी। बच्चे ने गांठ गूठ नहीं मारनी आती, माँ बाप गांठ गूठ मारना पसंद नहीं करते, गांठ मारती है ना 70-80 गुब्बारे तो नहीं फूट जाए। तो इसमें 111 पीस दे रखे हैं, जो पड़े हमारा 55 या 60 रुपये का, और यू जागा 150 रुपये का, मतलब 3 गुने रेटा में ठीक है। ये लिया सको तो ये आजकल बहुत डिमांड में है, मतलब फिर आगे ये कलर बम है, इसमें मैं दिखा दूँ तुमने, इसमें 5 पीस हैं, इसमें 5 रंग आगे 5 पीस, इसमें 5 रंग हैं अलग अलग। अच्छा कलर अलग, कलर बम है, कलर अलग अलग हैं, 5 रंग हैं। और यो पड़ा है 25 रुपये का एक पीस, ये सारा है ना जो मैं माल दिखा रही हूँ खुले गुलाला ना छोड़ कर, ये सारा सदर बाजार से हम लेके आ रहे हैं। 25 रुपये का एक पैकेट पड़ गया, मतलब 5 रुपये का एक बम है, और यो कम से भी कम 10 रुपये का या 15 रुपये का एक देता है, तो यो ले सको हो। ये थोड़े बहुत ट्रेंडी से आ जाए, थोड़ा बड़ा बम चाहिए भाई, ये थोड़ी देर तो ये हवा में रहेंगे और कलर बहुत ही अच्छा निकलेगा। यो पड़ा था 35 रुपये के, 2 बम 2 हैं इसमें, ये 2 कलर हैं, पैकेट बेचेगा, इसमें भी 2 कलर हैं, इसमें 2 कलर है, देखो इसमें है रेड और ब्लू कलर। यो बेचेगा एक डब्बा बेचेगा कम से कम 100 रुपये का ठीक। अब इस जम्मा ये बहुत दुनिया, ये देखो ये ऐसे है बेकार खतरनाक लग रहा है, मतलब खतरनाक लग रहा है मास्क के पीछे थे ये ना, मतलब बहुत दुनिया ले हुआ है। तो इसमें मैं ये देखो ये पड़िया उड़ा 50 रुपये का, 45 रुपये से शुरू हो जाए, 50 का 55 का मिला है, और ये 100-150 रुपये का जाओगे, बच बच कर ले जाएंगे। अगर तुम थोड़ा बहुत भी सामान दरो हो तो तब ना बेरा होगा कि कितने का बिक जा है और कौन कौन इसमें खरीदना पसंद करे। मैंने तो बहुत जंगा है, देखा है बहुत बेका है यो, तो मैं ले जाएगी एक यो लेके आई हूँ ज़ॉम्बीज़ के, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, यो यो मैंने सब तरह पसंद आया ठीक है। और ये देखो ये कोई छोरी हो पसंद करना था, तो गुलाबी रंग, गुलाबी रंग की बूथड़ी हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखो
ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया ये वाले बैलून खरीदेगी। कोई साझा बालक जो 5-10 रुपए का पैकेट लेना पसंद करे तो आप उसने ये वाले पैकेट दे सको। इस एक पैकेट में 50 पीस है, इस पे लिख भी रखा है 50 पीस है और रेट इसका ना 20 रुपये लिख रखा है, तो आप 10 रुपये में 20 रुपये में क्यों भी निकाल सको। तो यो पड़ रहा है 100 पीस का 300 रुपये का, मतलब 3 रुपये का एक पीस पड़ रहा है। जब आप 10 रुपये का भी ले काटोगे ना तो 7 रुपये एक पे कट गला बच गए, मतलब 700 रुपये खड़े खड़े तब ना बच गए। इसमें तो थोड़े से और छोटे हैं, थोड़े इसे बालक आ जाए जो अपने शौक थी ले लवे हैं, यो पड़ रहा है मेरे 260 रुपये का। तो इसने भी 5-10 रुपये में आराम से ले काट सकूँ। अब यो आ गया भाई मुर्गा, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहे हैं। इसमें तोता बोल दे, मुर्गा बोल दे, कुछ भी बोल देना है, तोता है या। तो इसमें है ना बढ़िया बढ़िया कलर आ रहे हैं। मैं एक भैया बाल खोल लूं, नवीन जी ने पर आ जाओ ना, पीछे तो जूड़ा दिख जाए। तो यो ना देखो कुछ ऐसे खुला है और इसमें रबड़ लगी ओड़ो है। ये भाई ये ना ऐसे हो साइड लॉक दे वाह बेटे ठीक है। यो ऐसे हो गए, ये थोड़े से बाल न्यू कर ले, ये मुर्गे के ये उल्टा पैर लिया होगा था मैंने ठीक। यो न्यू हो, इसे न्यू भी पहन सको हो न्यू भी पहन सको ना न्यू नहीं ठीक। ये भी पड़ रहा है हमारा 70-80 रुपये का, ये 15 का इसने 200 रुपये आराम से बेच सको। हमारे एक पीस तो कोई देता नहीं, हमने 10-15 पीस लेने पड़े हैं और अगला लेने की किया वह एक पीस ले लिया 2 पीस ले लिया। और इतने दबके सदर बाजार में इतना वजन उठा कर चलना ऐसी खेल को नहीं होता। ये देखो मैं कितने कलर लेके आ रही हूँ। तो ये कोई भी खरीदेगा तो वो तो एक लेगा तो वो क्यों करो वो कर सका। ये सदर में भी जाकर तुम लेओगे ना तो ये तुमने इतने रेट में पड़ेगा, ये एक तो जितने का मैं आड़े दे दूंगी ठीक है। फिर प्लस भाड़ा उड़ेती का भाड़ा फिर उड़ा कर धक्के सारा दिन सिर में दर्द वह रह गए नहीं आ रहे। मैं क्या 12 पीस लेके आई हूँ ठीक है। अब आ गया भाई ये आ रहे हैं, ये देखो इसमें आ रहे हैं, ये हैं कैप्सूल हैं। इस कैप्सूल ने है ना पानी में डाल के और इसमें तो है ना कलर निकलेंगे, मतलब इसने बलून में डाल के पानी भर दे, बलून में डाल के पानी भर दे और ये अपने आप फूट जाएगा। दियो थोड़ा सा पानी दिखाओ, एक बार थोड़ा सा पानी मिले थे घेरियो, मैं डेमो दे के दिखाऊँ। अपने आप यो कलर हो जाएगा। यो जो कलर इसमें का निकला है ना वो जो मैं पक्का रंग लेकर आएगा ठीक है। इसमें जो निकला है ये पर्पल कलर है, बस और क्या डेमो ईसाए। ये भी इसमें है ना 10 कलर बताऊंगे तुझे तो दोस्तों। देखो वो जो डेमो डेमो देती देती चली गई बाहर, कर लिए अपने लाल रंग हाथ बिल्कुल है, लाल हाथ कर लिए। जब पर्पल कलर था उसका तो इसमें हैं और ये 5 रुपये के 2 कैप्सूल जावेंगे। यो जो मैंने उड़े तो लिया है ये 12 डिब्बी हैं, यो मेरा पड़ा 90 रुपये का। तो ये मेरा कितने का पड़ गया 12, 8, 96 7 रुपये का कुछ का पड़ गया, मेरा 7 रुपये का पड़ गया। और ये भी इसमें जब मैं पूरी डिब्बी भी 25 रुपये की बेचूंगी ना, 7 रुपये का पड़ गया मैं 25 रुपये की डिब्बी बेच सकूँ आराम से, क्योंकि इसमें 50 है और 5 रुपये के वे 2 कमाए थे। जब खुला बेचोगे तो 5 रुपये के 2 बेच दो है ना, तो ये 25 की 20 की पूरी डिब्बी दे दो, 20 की दे दो, 20 की में भी 200-250 रुपये का तो मैं मुनाफा होगा। मतलब हो गया 2.5 रुपये, हाँ 2.5 रुपये का 50 है
एक यो हां फिर 50 रुपए की 25 रुपए की डब्बी का डब्बी 30 रुपए की काट डब्बी 30 रुपए की काट देवांगे और उन 50 रुपए की जा दिया इसमें है 50 पैकेट है और यो मेरा पड़ रहा है 25 रुपए का ठीक है क्यों कर चले गए है 5 रुपए के दो हां पागल हां तो माइनस को 50 का डबल करो ना 50 का डबल 100 रुपए का खुले में जाओ 125 के हो गए 125 के हो गए तो डिब्बी या 50 तक कम क्यों देनी तैयार डिब्बी जाओगी 50 रुपए की गलती होगी जी थोड़ा खेद है मेरा मैं था गया न पिंजे को सेठ जी बन गए जाओ से अच्छा तू छोड़ना वो छोड़ इबियो मेरे पड़ रहा है 25 रुपए का 50 पैकेट क्यों गया उन्हें जाड़ो रहा बोलन दे तो बात सही कहूँ यो है 25 रुपये का पड़ रहा है इसमें 50 पैकेट है यो ना यानी यो मेरा पड़ गया 98 रुपये का 50 पैसे का एक और यो बेका है 2 रुपये का एक तो जावे ही जावेगा मूल्य 5 रुपये का और 2 रुपये का इसमें मूल्य भी 5 रुपये का है और जमा पक्का कलर जो होया करे ना यो वो कलर है इसमें जै इसने 5 रुपये का आवा बेचा है तो इसमें 50 पंजे 125 रुपये का यो पड़ गया और कुल यो मेरा पड़ रहा है 25 रुपये का तो इसमें सीधे सीधे मैंने 100 रुपये का फायदा हो गया 50 पैकेट है 50 है नहीं इसमें 5 रुपये में बेचेगी कहेगा 250 का 250 का आए इन नवीन जी सारे करेक्शन करन लग रहे हैं इसकी हां वो ठीक है हां ओके ठीक है सॉरी मैं तो हूं बताऊं एक चलती बात है ये भी वो है ये वाला स्प्रे बोतल ये वाले देखो इसका एक तो बेनिफिट किया इसमें डबल लॉक दे रखा है ठीक है ये भी इसने पहला यो निकालना पड़ेगा उसके बाद यो चलेगा ठीक है तो यो मेरा 25 रुपये का पड़ रहा है यो कम तो भी कम 50 तो 100 रुपये ती का जाएगा ये 60 का वो 100 का एक यो बड़ा है यो पड़ रहा है 35 रुपये का पर पेटी की पेटी लेनी पड़े हैं बात यह है तो हम तो पेटी की पेटी लेके आ रहे हैं तो ये थोड़ा सस्ता पड़ रहा है 100 रुपये इनके रेट लिख ले मार्कर हो तो इन बॉटल्स पे लिख दे तो ये देख लो एक बार पक्का काम हो जाएगा ठीक है मार्कर लिया मार्कर लिया है घर पे ये दिखा दो एक बार घर पे मार्कर नहीं ब्लैक नहीं है मार्कर नहीं है भाई ये दिखा दे ये देखो ये सामान है मार कर लिया 10 रुपए का है एक मैं तो मैं दिखाऊंगी हाँ ये मैं एक बार ये समेट लूं बंद कर सब क्या करा तू ये देखो इस पर मैं है ना हर एक चीज पे रेट लिख रही हूँ नीचे जैसे कोई बालक भी बैठा हो ना अच्छे को अनजान भी बैठा हो तो उसने बता दे भाई नीचे रेट लिख रहा है हर एक चीज का तो उसने कन्फ्यूजन नहीं होगी ना वो जनती आओगा कि इसका क्या रेट है इसको मैंने रेट लिख दिया सारी चीज़ें पर यूँ रेट लिख कर मैं दे दूँगी और वो अपने आप आराम से बेच देगा इस पर 100 रुपये लग रही न्यू पेर लग जाना वीडियो बन रही जब तो मुस्करा दे है वो देख वो इसका मुंह छिट रहा था न्यू कहती हो गया अन्यू देखी ना वीडियो बन रही है जब मुस्कराई है देखो मुस्कराई है आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वाजी वाह जब हम सुबह सफाई कर रहे थे आप बकवास कर रहे थे जब हमने तो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करी रुक जा मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ ये बकवास ना करो बिजनेस की बात करती है लेडीज मेथी कौन सा मुर्गा देगा ये दे दिए तू क्या करेगी या अल्लाह क्या अल्लाह ईव क्या की वैरायटी दिखाओगी कुका ईव आ गई पिचकारी पिचकारी देखो ये आ रही है मार्केट में नई बड़का की लाइफ बॉय की माचिस की लक्स
ये है डेटोल की सिपर सारे आ रहे हैं। ये पड़ रही हैं 40 रुपये की दर्जन। अरे ये कम तो भी कम है, 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की नहीं जाएंगे। ये ठीक है भाई, ऐसे चला गए मतलब क्यों 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 ऐसे लेके दें। ये आ गए कगाल पर। ये कैसे पड़ रही है? ये मैं बता दूंगी जी, 350 रुपए की दर्जन है। और ये के कौन है? 180। ये 180 रुपए की दर्जन है। ये कौन सी? ये 350 रुपए की दर्जन। अरे भाई मारो मारो मेरा मारो। 180 ये मैंने कहूँ या पड़ेगी 15 रुपए की एक ही। मेरे बात दीदी बताओगे? अभी बताएं। पिचकारियों की वैरायटी दिखाओ। ये देखो पहले सस्ते तो दिखा दो। हाँ सबसे पहले क्या सस्ते तो दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, खोल लाया फिर बंद कर दे। है भूल गई मैं। पहले देखो ये इस पर ये पड़ रही है 102 रुपये की बात, यानी पड़की कह रुपये की बारानीमा। ये बारानीमा 168 की 68 रुपये की। ये कम तो भी कम 15 रुपये की बेचारी 20 रुपये 15-20 रुपये की कितने की बेच 20 लिख दी। ठीक है फिर इसमें है या ये पड़ रही है 130 रुपये की 130 रुपये की बात। तो ये जाएंगे 20 रुपये की और 30 रुपये की ये जाएंगे। एक ये इसमें पड़ रही है, ये पड़ रही हैं 150 रुपये की 12, ये जाएंगी 40 रुपये की एक। फिर इसमें पड़ गई या एक पड़ी है मेरे 35 रुपये की, यह जाओगी 50 रुपये की। तो यह है नहीं यह 18 रुपये की एक की और यह है 35 रुपये की एक की, आ जाएगी 60 रुपये की 70 रुपये की। ठीक अब इस समय एक यह देखो साइज देख लो कितना पड़ता है, छोटे भी मैं हर डोरीमोन में है। ठीक है यह पड़ रही है 80 रुपये की एक। कह के जाओगी? 150 चाहे 200 रुपये की एक जाएगी। ये देखो दरी ओड भी कितनी बढ़िया लगा है, ए सांभा डरने का नहीं। ठीक फिर देखो एक ये पिचकारी इनके ना उन्होंने डंडे किनारे निकाल कर ही रखे। ये देखो पिचकारी का साइज देख लो एक बार, क्योंकि डिब्बा छोटा था ना तो उन्होंने निकाल कर दे दिया। ये देखो पूरी बड़ी है, यह पड़ रही है 80 रुपये की मेरे उड़ा का पड़ रही है और यह आड़ है 200 रुपये तक की कम नहीं जा रहा, मतलब 120 रुपये का एक पिचकारी मैंने कहता है। ठीक और ये पड़ रही है मेरे ये पड़ क्या की पड़ी थी ठीलो 31 रुपये की 32 रुपये की, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी में है। तो यह जावेगी यह है ना टेस्ट करके देख रहे की शायद ना इसमें तो पानी भी लगड़ा है, यह जाएगी 50 रुपये की 60 रुपये की। ठीक है अब इन पिचकारियों में सबसे सस्ता रेट है इसका, इस वाली पिचकारी का यह मेरा पड़ रही है 10 रुपये की एक उड़ा और यह आड़ है 30 रुपये को 20 रुपये तक की कम नहीं जा रही, उड़ा पड़ी थी 10 रुपये की। एक ये पिचकारी है इनका रेट है 216 रुपये, एक पिचकारी का कितनी पड़ी थी किलो 18 रुपये की। इसका साइज देखो कितना बड़ा साइज है और क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया है। ठीक है तो यह 50 रुपये तक की कम नहीं जा रही। यह वाली पिचकारी देखो देखो कितनी बढ़िया और कितनी बड़ी है, यह भी मेरे 216 रुपये की पड़ रही है 12, यानी 18 रुपये की एक है और ये जाएंगे 50 से 60 रुपये की एक जाएंगे। आपकी फेवरेट कौन सी है? एक या है
या पड़ रही है मेरे 144 रुपये की दर्जन, या जाओगी 40 रुपये की है। एक नवीन लड़का गया है, या 40 की है और इसने 50 की नहीं, इसने 60-70 की बेचेगा। और देख लो, और बड़े बड़े काली पिचकारी है, बड़े बड़े काली पिचकारी दे रही है, गरा गरा की ये रही टंगरी। हाँ हाँ, ये डोगे देखा, ये तार का नहीं है रे, मैं तो उधर ही है, ये ना की पैसी का आएगी, ये देखो बंदूक की बंदूक है बिल्कुल, वो है लुकावा है इसमें, आड़े दकान का वेश्यप से ठीक। इसमें देखो, इसमें आड़े तो पानी भरा जाएगा, ये पानी भर लिया, इतना इतना भरा गया, और जो प्रेशर का पानी आएगा, अरे आप बालक है ना, पाछे भी खेल सका है इस तरह, बंदूक 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 चोर से भाई खेल लो, चाहे कुछ भी खेल लो, तो कर सको। मेरी तो फेवरेट पिचकारी है, मैं बताऊँ ना, या है सांबा, या मेरा आटा तपड़ा है, उड़ा तपड़ा है। और ये पक्के कलर, पक्के कलर नहीं देखा है आपने, ये डब्बे में है, देख सको। और ये पक्के कलर, ये देखो, ये है 50 डिब्बी हैं इसमें, आपने देखा होगा किसी ने तारक में तक उल्टा चश्मा देखा हो तो, इसमें ये जेठालाल ने हयर का लगाया था, ये बड़ा कलर, और क्या है तभी नहीं उतर रहा था जो सुंदर वीरा लेके आया था, और ये नीलकंठ का है देखो कंपनी, और इस पर रेट भी इसका मार्केट है 10 रुपये का बेचना है, 10 रुपये का बेचना है, और जो पड़ा था मेरा 210 रुपये का, 500 रुपये का डब्बा हो गया, 220 रुपये का, और जो जाओगा 500 रुपये का सीधा मैंने पड़ गया 280 रुपये का। तो यो था ईब, देखियो ईब चुकर चुकर मैं रेट लिखती जाऊंगी, नवीन बेचता जाएगा, और कोई भी अगर बिजनेस करना चाहो तो होली पर जो है जो ठीक इलाका है, थोड़े तो 10-15 हज़ार तो शुरू हो जाए है, और ऐसा नहीं है आप कितने भी जर दुकान नहीं है किसी दो रहे, तो कहीं पर भी जैसे खुले मैदान में टेंट सा लगा लो, और उड़े 15-20 हज़ार रुपये का सामान भर दो, ये 2 दिन की बात है, 2 या 3 दिन पहला ला दो, 2-3 दिन पहला ला दो, खुला रोड होता है, और फिर उड़ा कमाई खूब कर सको, इस तरह भी घने रेट ले सको। यो तो वैसे मेरा थोड़ा हा एरिया वाइज मैं बताऊँ, एरिया थोड़ा हा कम है, सेक्टर का लागता नहीं है, तो इतनी रेट है, तो सेक्टर का लागता या फिर बढ़िया जगह पैसा सुर में है, वैसे तो है यो भी फरीदाबाद, पर थोड़ा कॉलोनी है तो जैती सस्ते रेट देवा हाँ ना, तो जय हम भी 22 सेक्टर में धर ले, तो ये बंदूक है कोई 400 रुपये तक कम को नहीं दे रहा, और यहाँ हमारा बेचेंगे 250 रुपये की, होलसेल वाला ने टांग रखी थी या बंदूक 250 रुपये की एक, वो बोल रहे थे कि होलसेल में लोगे ना जो 12 बंदूक या 16 बंदूक या 14 बंदूक या 6 बंदूक, तो आपने 250 रुपये की पड़ेगी, एक लोगे तो यह पड़ेगी 450 रुपये, तो आप देख सको होलसेल वाले भी के रेट लगा रहे हैं, अराड़े के रेट लग रहा है, तो बिजनेस कर सको हो, ऐसा नहीं है टोटा होगा अपने, टोटा तो किसी चीज़ का भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत सामान भी बच गया ना, तो ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगी, क्यों एक्सपायर होगा, इसमें के लग रहा है, इसमें कुछ गल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, न्यू कलर है, कलर का क्या होगा, पहला ही केमिकल है, केमिकल तो रहा रहेगा, कुछ ना है, कोई ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है, बच भी जाओगा ना अगले साल काम आ जाएगा, कोई खाने की तो चीज़ ही नहीं है, अगले साल के बीच में रंगोलियाँ में काम आ जाएगा क्या ना, कलर तो है रंगोली बनावे हैं बालक उनमें काम आ जाएगा, और ये है ये तो जी देखो थोड़े बहुत बचाएंगे, बचाएं भी गए तो घड़ा क्यों करो, वो तुम देख लो ना एरिया किसा है, तो उस हिसाब से कर सको, तो आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सबका एक नए ब्लॉग में, आपके अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ, और आशा करते हैं कि आप सब ठीक होगे। तो आप देख ही रहे हो दुकान की क्या हालत हुई पड़ी है, अभी ना इसकी सफाई होगी, मेरी बहन आ रही है और हम दोनों मिलके सफाई करेंगे, तो इससे पहले आप देख लो कि दुकान की हालत क्या है और सफाई करने के बाद क्या होगा। देखो पूरा भरा पड़ा है, गुचड़ मुचड़ कर रखा है इसने, क्यों नहीं बेरा कितके सामान दे रहा है, यो भी मैं लगा के गई थी, मैं नहरा थोड़ा दिख जाएगा, अरे ये दो रैक लेके आई हूँ मैं, ये सेट करूँगी,
बढ़िया था। पूरे ने कुछ करना आता है नहीं, अरनू का खाट गाल गए, बोला तुम लेट जाओ मैं करूँगा सफाई। इतना बड़ा गत्ता टेक रहा है, ये भी सारे सरप के कट्टे जाएंगे टांड पे और यो जाएगा कबाड़ में। गत्ता नवीन नहीं गत्ता, मैं कभी नहीं दुकान का जमा वो कर रहा है जिन ताड़ा के है टिलो बुचड़ खाना नहीं आड़ा पजल सोल करनी है जिन्हों तो वे सत्तर नहीं खिंचे करते। ये है मिस्ट्री रूम है, यहाँ पर चीज़ों को ढूंढना है। हाँ कौन सी चीज़ की तो धरी बोलो न क्या है कि नहीं मेरा। बैठ गई हूँ आड़े गले पे और ये दोनों कर रहे हैं सफाई। ए बेटा ये मेरा अड्डा बेफालतू फंड गए कबाड़ बताया पहला कट्टे कर दे कून में अरे सविता हड़ाओ साइड साइड बाहुबली को आने दो फ्रंट में। दुकान तीन चीज़ों का काम नहीं है रखी रही है। क्या जिन चीज़ों का? ये पड़े हैं वैसे बंडल बंद बंद का आए थे ना ट्रे आके तेरा डे टांड पे घेरते हैं। अरे भी इकट्ठे आए भी तेरी सारा देखिए सुथरी दुकान हो जाएगी जमा लेने भी सामान जी करे दिमाग दिमाग की कवि सविता जी पागल है गए। मैंने तो पहले ही सोच ली थी कितके धरना है ऐसे ना तेरा मेरा ये तो एक खून है ढिला तू ना कह। मैंने सोच लिया था कितके करना है सोच लिया था कट्टे का था मैंने कट्टे थे एक बार हमने घी के भी तो चढ़ाए थे तो ऐसे मत बोला जो सारे के सारे मिक्की ने घी के कट्टे चढ़ा दिए टांड पर नहीं मारे तो फिर भी बच गए सारे राजकुआरी के तीन कट्टे खराब हुए। अरे इनकी ना नारी नारी लार लगा दिए सुना है लार नारी नारी ला दिए दस वाले एक तरफ किलो वाले एक तरफ ठीक क्या हो गया ना मैंने रोटी खा के आई मैं कोई बात नहीं। तो अभी जो है मैंने दुकानदारी संभाल ली है मैंने सामान बेच दिया 100 रुपये का 5 मिनट में। अरे एक लेडीज आई थी एक ताई आई थी शैम्पू मांगने थी शैम्पू हो गया खत्म और लेके आओगा नवीन जी। अरे ये एड्रेस देखो कट्टे चढ़ान लग रहे हैं मैं बैठी हूँ आराम से। तो कट्टे जो हैं ऊपर टांड पर चढ़ा दिए हैं सारे के सारे और ये चल रही है दुकान की सफाई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और देखना पहले क्या हाल था इस दुकान का और ये क्या हाल हो गया। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सारे ठंडे हैं जो बिखरे पड़े थे यहाँ वहाँ कहाँ ये नवीन जी ने सामने लगा दिए बिल्कुल जैसे दुकान मैं एंट्री करते हैं ना बिल्कुल सामने दिखेंगे और फिर पता चल जाएगा कि होलसेल की दुकान है और ये फ्रिज तो पता चल जाएगा कि रिटेल का भी सामान मिला है। और कट्टे देखो ऊपर आगे सारे के सारे जमा सही डाला और जंगा लगड़ाई बहुत सारी सारे ठंडे लगा दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मैं भी काम करा दी हूँ ना तो कहेंगे कुछ नहीं कराया आगे अड़े शख्सिया दे थी। ये सारा देखो कितना बढ़िया हो गया। तो अभी जो है आधी सफाई होगी दुकान की पर बच्चों का होगा टाइम तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने और टिलो जा रही है घर पे और नवीन थोड़ा बहुत करेगा तो कर लेगा ना तो फिर शाम ना आकर।
फिर तक करांगे। क्या हो गया? तो संगवा तो जाओ पूरा ही ना यार, टाइम तो हो गया। मैंने कुछ तू लिया बड़का ने, हम संगवा देंगे, बड़क भी नहीं लेने। हाँ तुमने स्कूल में छोड़ दिया तो ये देखो सदर से हम ये देखे तो ये वाले पैकेट ले रखे हैं नवीन ने, 5-5 किलो के हैं। तो अब मैं इन आना है पन्नी अंबरूंगी, 20-20 पन्नी बना दूंगी, 5-5 वाली और 10-10 वाली, और फिर कुछ डेई सी लग जाएगी। तो ये कुछ ऐसे 4-4 किलो के फोरजी गुलाल। तो ये जो है ये मैं 5-5 रुपए वाली थैली पैक कर रही हूँ। और नवीन खोल रहा है, कौन सा कलर है? रेड, लाल रंग। नवीन लाल रंग की पैक करेगा और मैं पीला रंग पैक कर रही हूँ। क्या रंग है? 5 रंग लेकर है। मेरा कौन सा लाओगे? 7 लाऊंगा। हैं? 7 रंग लाऊंगा। 7 की तलाग, रंग तो 5 है। और भी है दूसरे। रंग 5 ले रहा है। क्या चमेल लाऊंगा? 3। इतना सा। अपना भी तो मुनाफा देखना है। थैली देख ले बन गए ना, क्या क्या है सो ना, 20-20 पैक कर ले एक कलर के। क्या करने एक ही थी जब तो सदर थे जो मैं तब लगने में वो सस्ती वाली लेके आऊँ सना जिप वाली मुझे पता है इसी 10 रुपए की 20 10 रुपए की 100 पागल ला रहे हो मने मैं कहीं बच्चा के लेके आऊँ सदर तो ये सारे बेच दे जाए एतवार ने बैठा नहीं तेरे देखिए इतने क्यों एक दो दिन पहले तो बाड़क लेना लाग जा मैं ज्यादा कर दिया तेने वो तो लड़ने की भी थी ना उड़े काटे वैसे कभी छोटे छोटे काटे भी थे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए मेरे बीस का नहीं देख रहे छोटी बीस बीस छोटी मन तो नहीं लगा कि वो कदे थैली थैलिया में एक अलग है ना बीस पंजे 100 रुपए की तो फिर ये देखे हाँ और 100-200 रुपए की ये देखे जो एक में भी गल्ला है तो ठीक है डेरी खातर 1 रुपए की ले ले क्योंकि डेरी लागे कौन है इसमें मैंने नहीं लागा है छोटी प्लेटा लागे कटोरिया बना दे यार खुले दिया आग रहे पर यो खुले है वर्गा है तो यो तुम लाएगा लाइट का दे तो दे रखे आज इसकी दुकान की सफाई कर दी हमने कैसा लगा अच्छा सामान सही बढ़ता बढ़ता आ गया
ठंडे वंडे भी तेने गणे फैला रखे थे तेरा वो वन पैकेट तो का है 20 का है ना हाँ 20 का उस पर 30 रुपए रेट है एमआरपी 30 रुपए की है हाँ ये वैसे ये भी हो सका है या 10 की और बड़ी 15 की फिर वो तो मुंह देख के टिका करिए ना तो ये चीजें जो गणा बेवड़ा आ गया अपना ये 10 10 की कर दिए मन में रहना था उन्होंने तो बोल रहे हैं नाम रवे पितर बैठ चाहिए गले तू अपने आप देखिए क्योंकि हर तरह का आदमी आपको कलर लाने लग जाए उसमें हां ये भी सारे हूं ये पैक करके दे रहा करते लिया कौन ये बोला थी ना गाल दे थे लिया मैं और दूसरा जो प्राजू ये रखा है ये तो कटा हो अपना सही है यो बिना दम झटका पटका कर देंगे टेक्नोलॉजी ले आते हैं यार कितना ज्ञान सब ऐसे पढ़ने लगते ये रियलिटी है खर्चा को ना करना चाहते हैं खर्चा तो ले इतनी है कि आप पॉलिथीन पड़ते होंगे ये तो या कोई बात थोड़ी है खर्चे वाली बात नहीं है कई जगह मैं बोल ना दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सो सो है कि कम है ये भी देख लीजिए क्या दिल्ली 15 में भेज दियो 15 में भरती हूँ फिर बढ़ लूँगी ठीक है ना फिर तो मैंने कह देवाऊंगा देवाऊंगा कि मैं तेरे को नहीं होली की जो बचत हो गई थी होली की बचत में तेरे लिए करने की जूस की मशीन लेके बिजनेस से बिजनेस आगे बढ़ाती चलती है जूस की मशीन लेके रहा है मतलब मैं तीन हजार कुछ भी 40,000 की वह भी तो आवाज़ है ठीक पापा अंदर 10,000 का कलर लिया है ये 40 का देखता है पढ़ते जो 10,000 का पापा कलर लिया है और ये 40 का बेच के है 40 का 40 का 4 गुना है 4 गुना जाएगा वही अपने उसमें है जो उस वाली मशीन लाएंगे ऐसे इसमें वो तो सही है और उस समय तो सही ले बात नहीं आ रही है तो मैंने तो सही करना है ना मैं सदर का था मैं सुल जाऊंगी तू जाया सोचा थे उस मार्केट में है उड़ा है उड़ा है ये 10 रुपए वाली थैली और ये 5 रुपए वाली थैली 10 वाली कहां लगी क्या न्यारा अंतर है देख लिया मैं भी अलग रख 10 वाली लाइन ही बना दे ना जो मैं बनाऊं 5 वाली है वो एक लाइन बना 10 वाली है काम भी करा हुआ है धमकावे भी है
कलर बचेगा हाँ बच जाएगा। पन्ने पन्ने का रही ठीक चल रहा है ना स्टोक वॉक का तो वो है ना ये वो पाइप वाले भी लेके आओगे पाइप से वो पाउच पैक हो जाए हैं क्या इसी 5-4 हज़ार का प्रोजेक्ट हो तो क्या है ऑरेंज का और ये मैंगो का ये नलके ही नहीं आ रहे बच्चे जो अच्छा, 5-5 रुपये के 5-5 के हो दो 1-1 रुपये के पाइप वो तो मशीन आया करे मशीन को नहीं आंदी एक पैकिंग वाली मशीन गोल तैयार करना बस उसमें एक किसी पतीला वतीला में बाल्टी में गोल तैयार कर कर उसमें पाइप में पानी डाला वो लेंथ हो नु की पाइप की हाँ पर भाई तो अपने आप पर जुड़े जाओ आप ये बंद हो जाए है हाँ वो उस तरह बंद हो गया ना मशीन तरह बंद हो जाएगी रोबस बस कुछ इसमें लंबा जुड़ा है कम से कम वन जो कर आप थोक में बेच सका उसमें डिब्बे बना दे उसके 10-10, 20-20 पीस के और डिब्बे अपने गुलाल पैक कर दो डिब्बे बिकी जाओ फिर दुकानदार ले जाओ क्या बढ़िया काम है दिमाग तो आता है यूज ना करें ना तभी इतनी तेरे बढ़िया दिमाग तेरे में ये बढ़ती आता है नहीं तेरे तेरा क्या हुआ जब आदमी है ना फ्री फंड का चक्कर में चल पड़ा है ना दिमाग उसका क्या काम होता जुगर तो चल रहा था जुगर फाइनेंस का ब्याज भट्टा का कमेटिया का कमेटिया वो पैसा आए जा ना तो उसमें आदमी फालतू फंड का को मेहनत ना पसीना ना कि मैं कुछ करना नहीं जब दिमाग चलता को दिमाग फिर इन चीजों में चलता पता तू दिमाग तो ऐड का एक मेरे पापा बहुत सुलझे हुए इंसान है एक पापा के औलाद में अर तो रहो ना तो निकलेगा बला लेना तेरे पापा ने यार नु थोड़ी इस तरह से आवे ना शर्म में तो बीड़ी भी हो के आगे बीड़ी तो नहीं पीना जो आदमी जिसकी शर्म मानना ना थोड़ी वो प्रेशर हमारा है अगर जो उसका जब न्यू दौरे बैठा रहा तो अच्छा तो प्रेशर मानना है हाँ। प्रेशर मानना है अपने पापा का न्यू कहेगा मेरी सासू न्यारी कह जाएगी हे उड़े रहन दे वो तो न्यू को लेके बैठा रहेगा वो बड़ा प्रेशर मानना है और तू आड़े प्रेशर मान बेचारा इसा ससुरा नहीं पाया मैंने सारा दिन कति देख ले जमा वो मतलब नहीं रात में भी के मैं सामान दे जाएगा ना ये मैं अड़े तो रूम मशीन पे ले ली पे मैं भीतर नहीं बढ़ता हूँ पे वह कृष्णा देवी रुके नहीं मारे अगर ये मैं जाऊँ हूँ नहीं तो पापा सोर की जाएगा कब ये तो जागें दे वाइस पे करा जब जाओ काका का कल फोन आ रहा है फिर कर लूँगा तू भाग गया अंगूरी बोली मैं भी जान ली मुकतन ना कौन लेके जाएगा दूसरी पूनी लेके जाएगा अच्छा है क्या पापा का हो रहा है काम और है पापा सुबह सुबह बता दो दिन पहले बैठूंगा लाके आऊंगा क्या हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और सब में राम राम